अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पेशावरी चिकन कढ़ाई। मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ऑयल इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। एक बॉल मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करने वाली हूँ। चिकन को मैंने लाइट ब्राउन करना है, जैसे कि आप चिकन फ्राई बनाते हैं इसी तरह इसको ब्राउन करना है। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें फिर ऐड करूँगी। एक स्पून में इसके अंदर सॉल्ट डालने वाली हूँ। बाकी चीज़ें इसके अंदर मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया और अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। चले मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। हाँ जी, हमारा जो चिकन था वो लाइट ब्राउन हो गया है और अभी मैं ऑयल थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगी और इसके अंदर मैं टमाटर और मिर्च वो ऐड करूँगी। आप थोड़ा सा मैं रहने दूँगी इसके अंदर। चलेंगी अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ टमाटर। मैंने धो दिया था। इनके दो पीस कर लें और इसके अंदर ऐड कर लें। अगर आपको स्पाइस चाहिए हो तो हरी मिर्च इसके अंदर, छोटी छोटी हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दें, जितनी आपको स्पाइस चाहिए हो। मैं इसके अंदर चार मिर्चें, हरी मिर्चें ऐड करने वाली हूँ। और अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको।
अब मैं इसके ऊपर देकर लगा देती हूँ और इसको रहने देती हूँ इसके। इसके अंदर मैंने एक काली मिर्च एक स्पून वो डाली है और सूखा धनिया एक स्पून वो डाला है। हमारी खुशाबी फ्राई की वो हो गई है तैयार। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ। चलें जी चूल्हे को बंद कर दें तो हमारी की पिशौरी फ्राई हो गई है तैयार। ये है उसकी फाइनल लुक। अब हम टेस्ट करके आपको बताएंगे ये कैसी बनी। माशाल्लाह जो आज की मेरी रेसिपी थी वो हो गई है तैयार। तो अब मेरे टाइम आ गया, मैं इसको टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी ये कैसी बनी है। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसमें घर पे जो कुछ भी है उसी से बनाई जाती है। इसमें सिर्फ गार्लिक और जिंजर काली मिर्च और सूखा धनिया हो गया, ऑयल हो गया। बिल्कुल सिंपल डिश है और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। तो जाने से पहले आप मेरे प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।